छोटा आशुतोष बड़े आशुतोष से थोड़े बहुत सवाल जवाब अपने स्टाइल में करेगा। ये जितना अच्छा अभिनय करते हैं उससे अच्छा तो नहीं कहेंगे क्योंकि फिर वो हाइपर लेवल हो जाएगा, बराबर का ही बेहतरीन लिखते भी हैं। इनकी किताब आई है मौन मुस्कान की मार। आशुतोष जी, क्या है उस किताब में थीम क्या? आशुतोष, सबसे पहले तो मैं आपकी प्रशंसा से शुरू करूंगा कि आप जो ललन टॉप है, जब मैंने इसको देखना शुरू किया था तो ये सिर्फ एक कौतूहल था और मुझे लगता था कि ये जो लड़का है और इस लड़के के साथ जो टीम है जुड़ी हुई, ये कुछ फितरती लड़के नहीं होते हैं कि जो अपने घर पे वीडियो से अपने इलाके की खबरें वकरें रोचक तरीके से प्रचारित करते हैं। लेकिन धीरे धीरे उसमें ये समझ में आया कि नहीं, ये जो चीज़ है ये सिर्फ सतही बात नहीं है, बहुत गहरी बात है। और गहरी बात को कैसे हल्के तरीके से आप तक पहुंचा देना, वो गुण आपके अंदर देखा और मुझे लगा कि व्यंग भी वही करता है जो हमारी किताब है जिसका नाम है मौन मुस्कान की मार, जिसमें 27 व्यंग हैं आशुतोष। और व्यंग का मतलब ही होता है कि विकृत अंगों को समाज के सामने इस तरह से पेश करना कि वास्तविकता भी पता लग जाए और उस व्यक्ति को या व्यवस्था को बुरा भी ना लगे, तो उस चीज को साहित्य में आप व्यंग कहते हैं। और वही 27 व्यंग हैं उसमें, और आप पढ़ेंगे अगर यहाँ पे जो पाठक वर्ग अगर होगा मौन मुस्कान की मार, तो मुझे लगता है कि वो अद्भुत आपको आनंद देगा। क्यों? क्योंकि मैं ग्रामीण भारत का व्यक्ति हूँ और ग्रामीण भारत में जो देश है हमारा वो मुंबई दिल्ली कलकत्ते में नहीं बसता। जब आप मुंबई दिल्ली कलकत्ते से निकलते हैं, क्योंकि मुंबई दिल्ली कलकत्ता तो महासागर हो गए और दुनिया के सारे मीठे पानी की नदियां महासागर में गिरती हैं, फिर भी महासागर का पानी खारा क्यों होता है? खारा होता है ना, फिर मीठा काय नहीं हो रहा भैया? तो इसका मतलब है, तो मुंबई दिल्ली कलकत्ता इन सब चीजों को अपन ये मान के चलें कि ये महासागर हैं जहां पर सारे मीठे पानी की नदियां इनमें आकर विलीन हो जाती हैं। और जब आपकी निजता समाप्त होती है तो फिर वो मिठास भी समाप्त हो जाती है। और यहां से जब आप बाहर निकलते हैं तो आप पाते हैं कि आप, चूंकि आप निजता को प्राप्त कर रहे हैं, तो ये जो प्रयास है वही प्रयास इस कहानी में भी, इस मौन मुस्कान की मार में भी किया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर किसी को, जिनको भी पढ़ने में रुचि होगी, अगर वो पढ़ेंगे और एक बार पढ़ेंगे तो फिर उसको वो पढ़ते रहेंगे। खोज कर पढ़िए मौन मुस्कान की मार। अच्छा, राइटिंग से अब हम उसी से जिससे आपकी पहचान ज़्यादा बनी, एक्टिंग की तरफ चलेंगे। संघर्ष का लज्जा शंकर पांडे एक ऐसा विलन है जो बिना किसी सुपर पावर के, बिना अपने पीछे बड़ी मोगैम्बो जैसी फौज लिए, इतना खतरनाक लगता है, उससे ज़्यादा खतरनाक विलन हिंदी फिल्मों में शायद ही किसी ने देखा हो। उसके लिए क्या ब्रीफ था महेश भट्ट साहब की तरफ से, या कैसे तैयारी रही? वो जो होता है उसमें उसके लिए कुछ स्पेशल किया था क्या? देखिए, कोई भी जो, जिनको हम कहते हैं कि हमारी स्मृति में जो किरदार चिन्हित रह जाते हैं, एक होता है कि आप किसी किरदार के बाहरी स्वरूप को पकड़ें, यानी गेटअप एटअप कर लिया, दाढ़ी मूछ लगा ली और कुछ ऐसी चीज कर ली, तो जब आप शरीर पकड़ते हैं, और दूसरा होता है आप उस किरदार के विचार को पकड़ लें। तो हमारे लिए ये है कि जो भय है या प्रेम है या घृणा है या करुणा है, ये जितने भी भाव हैं ये भाव हैं। तो हमने उस किरदार के विचार को पकड़ा, और किरदार के विचार को ये पकड़ा कि हर आदमी को अमर होने की इच्छा होती है, तभी तो लेबोरेटरीज में हमारे जो वैज्ञानिक हैं लगे हुए हैं कि हम कैसे हमारी और आपकी उम्र बढ़े और हम अमरता को प्राप्त करें। जितने भी सेल वेल के ऊपर जो हमारे प्रयोग चल रहे हैं वो अमरत्व की खोज में चल रहे हैं। तो लज्जा शंकर पांडे की जो चाहत थी, जो इच्छा थी, वो ये थी कि साहब हम अमर होना चाहते हैं जीवन में, और उसके लिए अमरता का मार्ग क्या था कि हम साहब ह्यूमन सेक्रीफाइस करेंगे। तो अगर कोई 9 साल का या 10 साल का बच्चा है और एक एवरेज उम्र उसने मान के चली थी कि 100 वर्ष होती है, तो उसके जो बाकी के 90 वर्ष बचे हुए हैं ये इसको आध्यात्मिक रूप से प्राप्त होते रहेंगे और धीरे धीरे वो बड़ा होता चला जाएगा। तो उसकी जो पूरी इच्छा थी वो वही इच्छा थी जो रावण की इच्छा थी, वो मरना नहीं चाहते थे, जो कंस की इच्छा थी कि वो मरना नहीं चाहते थे। तो अगर आप इसको देखें तो जो कंस का पूरा किरदार था
कि उसने अपनी मौत से बचने के लिए अपनी भांजों को ही एक एक करके मारते रहने का प्रयास किया और फिर भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। तो आप उसको लज्जा शंकर को, तो हमने अपने दिमाग में वही रखा था कि ये उस किस्म का एक पावरफुल और कहीं ना कहीं मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने का उद्यम करना चाहता है। तो ये कितना परम पराक्रमी और साहसी और कितना ढीठ आदमी होगा जो, और कितना निर्भीक आदमी होगा, सिर्फ एक ही चीज से वो डर रहा है और वो है मृत्यु। तो उस दिशा में, और जब ये जो वाली बात आई थी जिसमें ये जो जिसको आप रेड इंडियन क्राई कहते हैं कि जहां पे जी, तो जब पता लगा कि असम में आप कामाख्या देवी वगैरह अगर जाएं और पश्चिम बंगाल तरफ असम वगैरह में देखें आप, तो आप पाएंगे कि मंदिरों में इस किस्म से एक कहीं कहीं हुलू कहा जाता है, कहीं रेड इंडियन क्राई कहा जाता है। तो वो ये क्राई इसलिए होता है कि वो बुरी आत्माओं को भगाने का काम करते हैं। तो लज्जा शंकर पांडे के लिए हर वो आत्मा बुरी और नकारात्मक आत्मा थी जो उसके अमरत्व में बाधा बन रही है, जो रास्ते में आ रही है, तो वो उसके लिए, उनको भगाने के लिए, डराने के लिए, वो इस किस्म के अपने आध्यात्मिक या तांत्रिक या ये कहें कि व्यवहारिक उस अदम्य ध्वनि का स्मरण करके वो उनको भगाता था। बढ़िया। अच्छा, आपका चाहे किसी भी फिल्म में छोटा रोल हो या बड़ा रोल हो, हासिल जैसी, हासिल जो है वो हमारे पूरे ग्रुप की, पूरे लल्लन टॉप की फेवरेट फिल्म है, संभल के जवान। तुम ही से चलवाएंगे गोली, तुम ही चलाना। तो वो आप चुनाव कैसे करते हैं कि पावरफुल हर रोल जैसा भी हो, अभी धड़क मैंने देखी उसमें भी पावरफुल रोल ही है, कैसे चुनाव करते हैं? मुल्क का ही जी, मैं आशुतोष जब भी कभी कोई कहानी सुनता हूँ तो दो चीजें होती हैं, एक तो हमारी अपनी इंस्टिंक्ट होती है जिसको आप कहते हैं अंतः प्रेरणा, हर आदमी के अंदर मौजूद होती है, और दूसरा किरदार की लंबाई नहीं देखता, किरदार का महत्व देखता हूँ कि अगर ये किरदार इस फिल्म में नहीं होता तो क्या कहानी बन पाती, अगर कहानी नहीं बन पाती तो वो किरदार बिना उसके हुए अगर वो कहानी नहीं बन रही तो इसका मतलब है कि वो किरदार बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वजह से हम ऐसे ही चुनाव करते हैं कि उस किरदार का उस कहानी में होना या उसके कारण ही कहानी का सृजन होना, अगर वो किरदार होते हैं तो हम जाके करते हैं, अन्यथा बहुत विनम्रता पूर्वक घर पे बैठ लेते हैं क्योंकि बढ़िया। अच्छा, ये धड़क फिल्म में परंपरावादी पिता का रोल था, लेकिन आशुतोष राणा जाति धर्म और इस तरह के तमाम बंधनों से आज़ाद हैं, युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम युवा पीढ़ी से जो बात कहना चाहते हैं वो ये कहते हैं कि बांट दिया, एक सवाल पूछूंगा कविता के माध्यम से, इसका जवाब आपको मुझे नहीं देना है, ठीक है, इसका जवाब आपको अपने आप को ही देना है, और देना चाहें तो बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा, और नदियों के कुछ नाम रखे बहती धारों का क्या होगा, कि ये गंगा है, ये सरस्वती है, ये यमुना है, ये ताप्ती है, ये रेवा है, ये नदियों के नाम है, लेकिन उसमें जो, तो बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा, और नदियों के कुछ नाम रखे बहती धारों का क्या होगा, शिव की गंगा भी पानी है और आबे जमजम भी पानी है। वाह वाह वाह। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। वाह वाह। तो शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा, और इन फिरका परस्तों से पूछो, इनके धर्म नहीं होते, वो किसी भी धर्म में पाए जाते हैं, तो फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे, इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे, और एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। वाह वाह वाह।
कि नहीं साहब, ये अगड़ों की हवा है, ये पिछड़ों की हवा है, ये अवर्ण की हवा है, ये सवर्ण की हवा है, ये बैकवर्ड हवा चलती है, तो साहब ये फॉरवर्ड हवा चलती है, राणा जी आपकी हवा ये है और आशुतोष आपकी हवा ये है। तो इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? और नस्लों का करे जो बंटवारा, हम और आप क्या हैं? इंसान, इंसान नस्ल है, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया और उसमें भी क्या किया, ये स्त्री है, ये पुरुष है, जबकि इंसान की नस्ल है, पौधों की नस्ल है, जानवरों की नस्ल है। तो नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। कौम मतलब दुनिया। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। अब सवाल खड़ा होता है, इसका जवाब मुझे मत देना, रात में सोने के पहले अपने आप को देना, कि नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है, और क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? वाह वाह, बढ़िया। मैं सिर्फ यही आपसे कहना चाहूंगा कि हम लोग तो जात जात में जात है, और जात जात में जात, अभिनेता जात अजात है, वह सब जातन में जात। अच्छा आशुतोष जी, आप हिंदी भाषी प्रदेश मध्य प्रदेश के गाडरवाला से आते हैं, लेकिन आपने कई और भाषाओं में भी, अभी मराठी में एक येड़ा फिल्म की थी आपने, साउथ इंडियन फिल्मों में भी आ रहे हैं, तो एक हिंदी भाषी या कहीं से भी जाने वाले कलाकार को, अभिनेता को, भाषा के लेवल पर क्या क्या नए प्रयोग करने पड़ते हैं, कैसे तैयारी करनी पड़ती है एक एक्टर को? देखिए, भाषा जो होती है वो संवाद के लिए होती है, भाषा कभी भी विवाद का कारण नहीं होती, विवाद का विषय नहीं होती, लेकिन दुर्भाग्य देखें कि हमने भाषा को भी विवाद का विषय बना दिया, जो संवाद के लिए है, कि हम भाषाओं के स्तर पर भी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब जो बच्चा छोटा होता है, जो आज हम आप और आप गरुण पुराण सुनाते हो लल्लन टॉप पे कि गरुण जी ने ये बोला, और फिर जब वहां से जाने लगे तो ये तुम सुनाते हो, हम इतनी बड़ी बातें मान लीजिए कर रहे हैं, लेकिन जब जाएं तो हम बाबा बाबा बोलना भी बड़ी मुश्किल से और साल भर बाद सीखे थे, और जब हम पहला शब्द बोले थे तो हमारे माता पिता ने कहा था, देखो आज उसने बा बोला, आज उसने माँ बोला। तो तात्पर्य यह है कि भाषा सीखना एक लंबी और बड़ी रोचक प्रक्रिया है और आवश्यक प्रक्रिया है। और मेरा यह मानना है कि हमारा जो देश है आशुतोष, वो स्वाद के स्तर पर बंधा हुआ है, संस्कारों के स्तर पर बंधा हुआ है, विचारों के स्तर पर बंधा हुआ है। इडली डोसा साउथ में बनता है लेकिन पूरे देश का स्वाद बन गया, राजमा पंजाब से निकलता है पूरे देश में मिल जाता है, रसगुल्ला पश्चिम बंगाल की पैदाइश है लेकिन पूरे देश में मिल जाता है, पोहा छत्तीसगढ़ के सिर्फ निकला है लेकिन पूरे देश में मिल गया। तो हम और आप जब स्वाद और संस्कार के स्तर पर, रेणुका जी मराठी हैं और आशुतोष राणा आप मध्य प्रदेश के हैं, तो अब हम दोनों के बच्चे शौर्यमन राणा और सत्येंद्र राणा किस कहां के होंगे, मध्य प्रदेश के या महाराष्ट्र के या देश के? देश के। तो ये जो बात है, तो जब हम और आप इतने स्तर पर जुड़े हुए हैं, तो मेरा यह मानना था कि आशुतोष राणा आप भारत जैसे विविध भाषा भाषी और संस्कृति जैसे देश में रहने का, आपको देश में जन्म लेने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो आपको हक नहीं है कि आप आने वाले समय में सिर्फ हिंदी फिल्म अभिनेता के रूप में जाने जाएं, आपको चाहिए कि आप भारतीय फिल्म अभिनेता के रूप में जाने जाएं, और भारतीय फिल्म अभिनेता के रूप में जाना जाने के लिए आपको अपने देश में बन रही जितनी भी भाषाओं में बनाई जा रही फिल्में हैं, उन सब में कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि जहां भले ही आप एक फिल्म करें, दो फिल्म करें, लेकिन अपना सशक्त हस्ताक्षर आप वहां पर छोड़ें। और आज मैं 7 भाषाओं में, हमारे यहाँ 10-11 भाषाओं में फिल्में बनती हैं, तो उनमें से 7 भाषाओं में मैं फिल्में कर चुका हूँ,
तमिल में कर चुका, तेलुगु में कर चुका, कन्नड़ में कर चुका, हरियाणवी में कर चुका, बंगला में कर चुका, मराठी में कर चुका, हिंदी में करता ही हूँ। जी जी, अच्छा, रेणुका जी का नाम लिया आपने, तो ये आप और रेणुका जी दोनों उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव जैसे हैं, आप परम धार्मिक हैं, और आपने बताया कि वो तीन पीढ़ियों से उनके यहाँ कोई अगरबत्ती नहीं सुलगाता जी, कैसे निभ रही है दोनों में, कौन सा पैक्ट साइन किया है? देखिए क्या है कि ये बड़ी रोचक बात है और ये हमको और आपको समझनी चाहिए, क्योंकि अक्सर आज की तारीख में हम और आप देखते हैं हर युवा वर्ग में, या युवा नहीं भी हैं जो प्रौढ़ भी हो चुके हैं, तो जिस परिवार में, जिस वैवाहिक जीवन में जो आनंद का विषय होता है वो अवसाद का कारण हो गया है, दुख का कारण हो गया है, निरंतर संघर्ष चलते रहते हैं। और हमारा ये मानना है कि गृहस्थी का मतलब क्या होता है, जिस घर में घुस के हमारी हस्ती समाप्त हो जाए उसको आप गृहस्थी कहते हैं, और हम घर के बाहर निकलते साथ तो अपनी हस्ती समाप्त करने तैयार हैं, लेकिन जैसे ही घर में घुसते हैं हम क्या करने लगते हैं कि आशुतोष राणा इतने इतने सारे अवार्ड आपने जीते हैं, मतलब आप बड़े महान व्यक्ति हैं। तो हमने, रेणुका जी ने हम लोगों के ऊपर, परम पूज्य गुरुदेव हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं दद्दा जी, उनकी कृपा है, उनकी शिक्षा है, कि हमने इस बात का मूल मंत्र समझ लिया कि मैरिज इज नॉट ए मैटर ऑफ चेंज, इट्स ए मैटर ऑफ एक्सचेंज, कि हम और आप एक दूसरे को, के विचारों को, एक दूसरे के संस्कारों को, एक दूसरे के व्यवहार को एक्सचेंज करके, क्योंकि एक विचार हम आपको दें और आप हमें दें तो आपके पास भी दो विचार हो गए और मेरे पास भी दो विचार हो गए, लेकिन अगर एक रुपया मैं आपको दूं और एक रुपया आप मुझे दें तो आपके पास भी एक का एक ही रहेगा, मेरे पास भी एक का एक ही रहेगा, लेकिन विचारों में जब आदान प्रदान होता है तो हम वैचारिक रूप से संपन्न होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हो सकता है कि मैं उस परमात्मा को मानता हूं जिसको मैंने नहीं देखा, और वो उस व्यक्ति उस आत्मा को मानती है जिसको वो रोज देख रही है। तो अगरबत्ती बात है आस्तिकता की, तो कुछ लोग निराकार ब्रह्म के प्रति या मूर्तियों के प्रति आस्तिक होते हैं, और कुछ लोग जो हम और आप एक दूसरे को देख रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, उनके प्रति विश्वसनीय होते हैं या विश्वासी होते हैं। बढ़िया बढ़िया। अच्छा, आपके जो पुत्र हैं दोनों, शौर्यमान और सत्येंद्र, शौर्यमन और सत्येंद्र जी, ये फिल्में देखते हैं आपकी? नहीं। अच्छा वो फिल्में नहीं देखते, क्योंकि मेरी जितनी भी फिल्में हैं सब 18 एडल्ट फिल्में हैं, और अभी वो 18 के नहीं हुए हैं। अच्छा, और एडल्ट हो जाने के बाद और बड़े होने के बाद क्या वो फिल्म लाइन में आने का कोई? लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो नहीं देखते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, और इस बात की गारंटी मैं नहीं लेता कि उनको जानकारी ना होगी, क्योंकि वो आज के बच्चे हैं, और एक कहा जाता ना अंग्रेजी में कि चाइल्ड इज ए फादर ऑफ मैन, बच्चा अपने बाप का बाप होता है, तो वो आज के बच्चे हैं, तो निश्चित रूप से वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। दूसरी चीज ये है कि जो आपने पूछा कि फिल्म लाइन में जाएंगे या नहीं जाएंगे, मेरा ये मानना है कि जैसे मेरे माता पिता ने कभी अपने सपनों को मेरे ऊपर नहीं लादा, उन्होंने मुझसे कहा कि आशुतोष तुम्हारे सपने देखने की क्षमता हम तुम्हारे अंदर पैदा कर रहे हैं, तुमने जन्म हमारे सपनों को पूरा करने के लिए नहीं लिया, तुमने जन्म स्वयं के स्वप्न देखने और उनके पूरा करने के लिए हुआ है। तो हमारा ये मानना है कि जब हमको हमारे माता पिता ने अपनी इच्छाएं हमारे ऊपर नहीं ला दी, तो हम भी निश्चित रूप से अपने बच्चों के ऊपर अपनी इच्छा नहीं ला देंगे, अगर उनको लगता है तो वो उस क्षेत्र में आए, और नहीं तो जिस क्षेत्र में उनका मन लगता है उस क्षेत्र में वो जाएं। हमारा ये मानना है कि अगर आप को चाय बनाकर पिलाने में आनंद मिलता है तो वो चाय बनाने का काम भी छोटा काम नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हम 100 करोड़ रुपया कमा के भी आनंद की ही तलाश में जा रहे हैं, और हम 100 रुपये कमा के भी उसी आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। तो हमारा सीधा सीधा मानना है कि अपने सपने खुद देखो, हम आपकी जरूरतें पूरी करने के लिए हैं, आपकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए नहीं है। हमारे दोनों बच्चों को ये पता है कि मैं और रेणुका जी उनकी जरूरतें पूरी करेंगे, लेकिन आपकी ख्वाहिशें हम पूरी करें ना साहब, ख्वाहिश आपकी है, उसे पूरा करने के लिए आपको अपनी क्षमता में विश्वास परिष्कार करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगी,
या तो क्षमता के मुताबिक काम करिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी इच्छा होती है लेकिन क्षमता नहीं होती, होता है। और कभी कभी जिस चीज की हमारे अंदर क्षमता होती है उसको करने की इच्छा नहीं होती, नहीं होती है। ठीक है। और पूरी झंझट जो होती है, जो दुख का कारण होता है, वो इच्छा और क्षमता के बीच का झगड़ा ही है। तो जो इच्छा है या तो उसके मुताबिक क्षमता पैदा कर लीजिए, या जो क्षमता है उसके अनुकूल इच्छा करने लगिए। तो आप देखेंगे, हम देखेंगे। तो हमने दोनों बच्चों को यही कहा है कि अगर आपको लगता है कि अभिनय आपको आपके आनंद का हेतु है, क्योंकि हम जब छोटे थे तो हमारी माँ ने हमसे ये कहा था कि अपने कोशिश करना कि अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाओ, अगर तुम प्लेजर चाहते हो तो फिर तुम स्वयं के लिए काम करोगे, फिर किसी और के लिए काम नहीं करोगे। क्योंकि अगर आप किसी और के लिए काम करते हैं तो आप भले ही 10 करोड़ रुपया महीने की सैलरी पाएं, लेकिन आप कहलाएंगे महंगे नौकर ही। सही है। और भले ही आप 1000 रुपया रोज कमा रहे हो, लेकिन अपने मन का काम कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, तो आप स्वामी की भावना से भरे रहेंगे कि मैं मेरा स्वामी स्वयं हूं। तो जो शिव की धवधारणा है कि स्वयंभू, जो स्वयं ही स्वयं का निर्माण करें, इसलिए ये कहा जाता है कि कणकण में शंकर हैं देश में। क्यों? क्योंकि हम और आप सब स्वयं ही स्वयं का निर्माण करते हैं। तो सब किसी और के जैसे नहीं, हम इन सबसे यही कहेंगे कि आप लोग किसी और के जैसे मत बनना, स्वयं के जैसे बनो जो आप हैं। अच्छा आशुतोष जी, हमारे ये अड्डे की परंपरा है कि पहले 2-4 ख्वाहिशें जो सवाल हमारे अंदर होते हैं हम पूछते हैं, उसके बाद पब्लिक से पूछते हैं कि अगर उनके मन में कुछ आ रहा हो तो। अभी मेरा एक लास्ट ये सवाल है कि आप शुरुआत में छात्र राजनीति से जुड़े रहे, अगर आपका अभी कहा जाता है कि आप अभिनेता नहीं होते तो नेता होते, तो क्या अभी आप कभी सक्रिय राजनीति में आने की संभावना है? ऐसे सवाल कई बार उठे हैं। देखिए मैं आशुतोष, ईमानदारी की बात है कि हम और आप सब राजनीति में हैं। कारण क्या है? क्योंकि दिल्ली के संसद में लिए गए निर्णय देश की सड़क की भाग को बनाते बिगाड़ते हैं जी। तो अगर सड़क जगी रहे तो संसद संभली रहती है, और संसद संभली रहे तो सड़क सजी रहती है। तो कुछ लोग, 545 लोग संसद में हैं और 125 करोड़ लोग सड़क पर हैं। तो हम और आप चाहे सड़क में हो चाहे संसद में हो, हम और आप सब राजनीति में तो हैं। और अगर हम चूंकि राजनीति में हैं हम और आप, तो जब हम 500 रुपए का कपड़ा खरीदते हैं, 50 प्रश्न करते हैं उस कपड़ा वाले से कि सिकुड़ेगा तो नहीं, रंग तो नहीं निकलेगा, फटेगा तो नहीं, और अगर हुआ भैया तो हम आके बदल जाएंगे, तो जहां पर सवाल हमारे और हमारे आने वाली संतानों के भविष्य का है, तो हम आपसे 5 प्रश्न नहीं करेंगे, करेंगे। और भले ही आप जवाब दें ना दें, लेकिन चुनाव तो अल्टीमेटली, क्यों? क्योंकि हम किसी और का नहीं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि लोकतंत्र में जनता नेता के भाग्य का निर्माण करती है, और यहां पर जब नेता जनता के भाग्य का निर्माण करने लगे तो समझ लीजिए कि तंत्र में हल्का सा हमें उसकी सिर्फ फाइन ट्यून करना है। क्योंकि 8 बोल्ट का पाना को अगर 12 बोल्ट के नट में लगाओगे तो खुलेगा क्या? नहीं हो पाएगा, नहीं होगा ना। तो हम और आप सब राजनीति में हो, सक्रिय राजनीति में हैं। अब अगर आप कहें कि संसद में कभी जाएंगे क्या, आप ये सवाल करना चाह रहे थे, तो मेरा ये मानना है कि कभी भी कोई योजना नहीं बनाता मैं आज की तारीख में। अगर मैं इस समय बैठा हूं तो आपको क्या लग रहा है कि मैं बंबई के बारे में सोच रहा हूं? क्या लग रहा है? यही हो वो कब, जब वर्तमान में 100% हम मौजूद लग रहे हैं ना आपको। तो ऐसा व्यक्ति कभी योजनाएं भविष्य की नहीं बनाता, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि आने वाले पल में क्या होने वाला है, क्योंकि अपनी जिंदगी कैलेंडर नहीं है आशुतोष जी। जी जी, कैलेंडरों पे तारीख होती है, योजनाएं होती हैं, अपनी जिंदगी तो
एक एक पल नया पल हमको और आपको परमात्मा की तरफ से उपहार में मिलता है, तो जैसे ही मिला उसका भरपूर आनंद ले। अभी आनंद इस बात का है कि आशुतोष के साथ मन मंथन करते हुए चौपाल पर बैठते हुए एक दूसरे से मन की बात करते हुए परम आनंद प्राप्त हो रहा है। कोई अपने मन का सवाल पूछना चाहे बस एक या दो, इससे ज्यादा नहीं। हाँ बताइए जी। नहीं हम अब भी सुना क्या है, कसम से वो ओवरडोज हो जाएगा। नहीं नहीं वो हमारे लिए खुद ओवरडोज हो जाएगा। आशुतोष सर, सर अभी आपने बोला इच्छा और क्षमता के बीच में द्वंद्व होता है, तो सर अगर हमारी इच्छाएं, अभी हम छात्र हैं, हमारी इच्छाएं बढ़ी हैं और क्षमताएं अभी कम है, तो हम अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करें? आप अगर किसी से कहा जाए कि अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर 100 किलो का डंबल उठाता है, तो क्या आप और हम उठा सकते हैं? क्या वो पहले दिन से 100 किलो का उठा रहा होगा? जब वो जिम में गया होगा तो उसने 2 किलो से शुरू किया होगा, फिर 3 किलो से पे आया होगा। तो क्षमताएं तो होती ही बढ़ने के लिए हैं, लेकिन उस क्षमता के लिए सतत प्रयास निरंतर हमें करते रहने चाहिए। और प्रयास करो, मांगो ऐसे जैसे अपने बाप की हो, नहीं मिली तो क्या अपने बाप की थी? बहुत बढ़िया, बहुत। आज तो सर जीवंतता तो आप में इतनी है कि जी करता है कि तारों के जाने तक और सूरज के आने तक बात करते रहें, लेकिन समय की पाबंदी बहुत, है। बहुत बहुत धन्यवाद। और तुम गरुण पुराण जारी रखना, काकभूषुंड जारी रखना, हम रेणुका जी को सुनाते हैं। तुम एकमात्र व्यक्ति हो आशुतोष जिसकी पोस्ट में रेणुका जी को सुनाता हूँ। क्या बात और आनंद हमें मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये एक निवेदन और करूँगा मित्रों, ये जो चित्र है ये किस लिए हम लेते हैं? एक बहुत ध्यान, अभी तक आपने ध्यान से सुना, अभी भी सुनना, ये हम लेते हैं अपनी याद के लिए, ठीक है? मतलब अपने लिए कि हम आपसे मिले, आप हमसे मिले। लेकिन जब हम रुपया पैसा संभाल के नहीं रख सकते, ये चित्र संभाल के नहीं रख सकते, असली याद होती है कि अगर आशुतोष आपसे मिला और आपके दिल और दिमाग में उसकी छवि रही आई और आशुतोष के दिमाग में आपकी छवि रही आई, तो जब तक मैं रहूँगा मेरे रहने तक आप बरकरार रहेंगे, अन्यथा मेरे जाने के बाद इस तस्वीर का भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप आएंगे सोशल मीडिया पर डाली और फुर रोड गए अपन। तो भैया हमें अगर स्थान देना है, क्योंकि बड़े छोटे गांव के व्यक्ति हैं और बड़े सपने हम देखते हैं, और बड़े सपने देखने के लिए आपके आशीर्वाद, शुभकामनाएँ और कृपा की ज़रूरत होती है, तो आप सब लोगों की कृपा, शुभकामनाएं, आशीर्वाद बना रहे। सादर प्रणाम। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर। दी लल्लन टॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज का ख्याल करो, सबसे पहले इंस्टॉल करो।